नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी दिल्ली में कैब ड्राइवर की ओर से विदेशी महिला के सामने अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर इलाके में एक ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर ने ब्रिटिश महिला के सामने अश्लील हरकत की, जिसका पीड़िता ने विरोध किया और पुलिस में कैब ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के अनुसार 23 साल की पीड़िता लंदन की रहने वाली है और पेशे से वकील है। वे अपने दोस्त के साथ एक हफ्ते पहले ही भारत घूमने आई है। वे फरवरी तक भारत के अलग अलग इलाकों में घूमने की तैयारी करके आई थी। इस दौरान वे अपने मित्र के साथ उदयपुर भी गई थी। शुक्रवार को जयपुर से विमान के जरिए वे IGI एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पीड़िता के दोस्त ने मोबाइल के जरिए टैक्सी बुक की। दोनों ही टैक्सी में सवार होकर साउथ दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दोनों को वहां एक 5-स्टार होटल जाना था। इसी दौरान महिला ने देखा कि कैब ड्राइवर अश्लील हरकत कर रहा है, जिसके बाद महिला ने विरोध जताया और इस बारे में उसने पुलिस को 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कैब ड्राइवर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और पिछले 6 महीने से नामी कैब कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाकर कैब चला रहा है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले भी ITU के नजदीक एक ऑटो चालक ने SBI की महिला मैनेजर के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने जैसे तैसे चलते ऑटो से कूदकर जान बचाई थी। उधर आरोपी पीड़िता का मोबाइल और बैग लेकर फरार हो गया। अंधेरे में रोते हुए 24 साल की पीड़िता ने अपने परिवार को खबर देने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। आपको बता दें, पीड़िता के अनुसार वे शाहदरा से एक ऑटो में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए सवार हुई। चलते समय उसकी मां ने ऑटो का नंबर प्लेट की फोटो नोट कर ली, जिसके बाद ड्राइवर पुराने लोहे के पुल से होता हुआ आउटर रिंग रोड पर पहुंचा। ITU के नजदीक सुनसान जगह पर अचानक आरोपी ने ऑटो रोका और टॉयलेट जाने की बात की। उस समय काफी अंधेरा था। टॉयलेट से वापस आने के बाद आरोपी ने ऑटो में बैठकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुई और आरोपी ने ऑटो भगा लिया। पीड़िता ने ऑटो रोकने के लिए कहा तो आरोपी ने ऑटो में डंडा होने की बात कर उसे मारने की धमकी दी और कुछ दूर जाकर जैसे ही ऑटो धीमे हुआ, पीड़िता ने चलते ऑटो से कूद कर अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बात अगर महिला सुरक्षा की जाए तो दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है, इस पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा होता है। इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।